कहाँ जा रही हो? आने के बाद बताऊंगी। मेरा नाम सुजाता है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आज तक मैंने एसी में बैठकर मेरी टीम के साथ कई प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, लेकिन अभी मैं जो काम करने जा रही हूँ वो भी बिना किसी के मदद के। किसी को मुझे मारना है, उससे मुझे बदला लेना है, यही मेरा न्यू प्रोजेक्ट है। ये मेरे लिए सिर्फ बदला लेना ही नहीं है, बल्कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वायरस को तुरंत क्लीन किया तो ही सिस्टम सही चलेगा। उसे मारने के लिए मेरे पास उतनी शक्ति तो नहीं है, लेकिन मेरे अंदर का जोश मुझे वो स्ट्रेंथ देता है। अब मुझे मेरी ड्रेसिंग चेंज करनी होगी। जैसे भी हो मुझे गोटी को मारना होगा, लेकिन उसे मारने से पहले मुझे बहुत सावधान रहना होगा। इस मुकाबले में मेरी जान भी जा सकती है। आई डोंट केयर। कहाँ रहती हो? गांधीनगर बस्ती में। मैं भी तो वहीं रहती हूँ, पर तुम्हें कभी वहाँ देखा नहीं। मैं दूसरे शहर में रहती हूँ, बहुत साल के बाद आई हूँ ना। ऑटो, गांधीनगर बस्ती चलोगे? बैठिए मैडम। अच्छा बहन, तुम भी वहीं पर रहती हो ना, आओ दीदी। मैं नहीं 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 ठीक है, आओ ना। चलती हूँ। अपनी बस्ती में गोटी नाम का नीच इंसान है, औरतों के लिए वो यमराज है। जो भी लड़की दिखेगी उसका रेप किए बिना नहीं छोड़ता वो। फिर कोई एक्शन नहीं लेता? एक्शन लेने वाले को जान से मार डालते हैं, पुलिस वाले भी उसी को सपोर्ट करते हैं। ए, यहाँ पर क्यों रोक रहे हो? अंदर नहीं चलोगे क्या? आगे नहीं जाऊंगा, बेकार एरिया है। इधर लाओ। अरे पता है आज होली है ना, इसलिए बस्ती अजीब सी अच्छा। रहती है। लड़कियों को ऐसे सताते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तेरी तो रुक वहीं, मैं अभी आता हूँ। क्या रे, गोटी के दामाद को गाली देती है? अभी देख क्या करता हूँ। ए, वीडियो निकाल रे। क्या सोच रही है? अभी तेरा वीडियो निकालूंगा। क्या कर लेगी बोल? अरे ए, पकड़ो पकड़ो उसे, पकड़ो, भागने ना पाए। वो देखो वहाँ, वो गोटी के चमचे। ए सुनो, वहाँ मत देखो, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ए, इस तरफ सीधा जाके बाएं तरफ 100 कदम पे तुम्हारा घर है। मैं भी आ सकती थी, लेकिन अभी काफी देर हो गई है, घर में बच्चा दूध के लिए रो रहा होगा। ठीक है दीदी, ये मुझे दे दो। शुक्रिया। अरे सुनो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से अपना काम खत्म करके चली जाओ। मैं बता रही हूँ ये बस्ती ठीक नहीं है। ठीक है दीदी। रुक,
रुक जाओ, ए पकड़ो रे उसे। जी, उम्र का तो लिहाज करो, तुम्हारी उम्र क्या है और मेरी उम्र क्या है, कुछ दिखाई नहीं देता तुम्हें? प्यार अंधा होता है, वो उम्र उम्र नहीं देखता लच्छू। जी, ऐसा है तो अपनी बहन को देख ले, उसकी भी उम्र मेरी जितनी ही है। ओ, उम्र हो गई लेकिन माल जबरदस्त है। ए, क्या कर रही है, ताला क्यों तोड़ रही है? ताले की चाबी नहीं है आंटी। ताले की चाबी घर के ओनर के पास रहती है। वो ओनर मैं ही हूँ आंटी। अच्छा तुम हो, ये तो नर्सिंग का घर है ना? वो मेरे दादाजी है आंटी। ओह, तो तुम नर्सिंग की पोती हो, ऐसा कहो ना। तुम्हारे दादाजी हमेशा तुम्हारे बारे में बताते थे कि तुम्हारे माता पिता नहीं है, क्या हुआ था उन्हें? पिछले महीने में ही उनकी मृत्यु हो गई। ओहो हो, मतलब तुम अकेली हो बेटा? अरे नर्सिंग दादाजी की पोती है, हमारे रिश्तेदार लगते हैं, ऐसे घूर कर क्यों देख रहा है? एक काम कर, घर में जाके पत्थर लेकर आ और उस ताले को तोड़ दे ताकि वो अंदर जा सके। हाँ, अभी ताला तोड़ने बैठूंगा तो ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा, मेरे पास फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है, ये पकड़ो। हे भगवान, मैंने तो एक अच्छा खासा बेटा मांगा था लेकिन पागल को दे दिया भगवान ने। तू रुखा बेटी, मैं अभी पत्थर लेकर आती हूँ। इडली इडली आइए, इडली मजेदार, इडली 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 आइए, इडली 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 इडली। अरे इडली वाले, अरे इडली, हाँ इडली इडली, हाँ देता हूँ बहन जी। इडली देना 20 रुपए की दे दो भाई। हाँ ये लीजिए, ये लीजिए। चटनी भी दे दो। हाँ देता हूँ बहन जी। करके आंखें बंद ली, छोटी है तो क्या गली, छोटी है तो क्या गली, छोटी है तो क्या। मुझे 40 की देना भैया। हाँ देता हूँ बहन जी। भरता पेट है गली है तो क्या, गरीबों की कहानी बड़ी है ये चटनी, गरीबों की कहानी बड़ी है गली, छोटी है तो क्या गरीबों की कहानी बड़ी है। इडली इडली इडली। नमस्ते इडली वाले भाई। हाँ नमस्ते भाई। तुम्हारी इडली बहुत मस्त है, तुम्हारी इडली खाने से गैस बिल्कुल नहीं बनती। हाँ, कोई दवा दारू की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मेरे लिए तुम्हारा लॉस भी हो सकता है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। क्या आप मुझे 1 इडली देंगे, इसके बदले तुम्हें स्वर्ग में जगह मिलेगी क्योंकि आपका मन एकदम निर्मल है। अबे चने के झाड़ पे मत चढ़, फोकट में इडली खानी है इसलिए बोल रहा ना। तू कितनी भी मक्खन पॉलिश कर ले, तुझे 1 भी इडली नहीं मिलने वाली है। वैसे बात कुछ भी हो, तुम मक्खन बहुत बढ़िया लगाता फिर है। तो 1 इडली दे देना चाहिए। नकारा कहीं का। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी। महात्मा जी खाना खा चुके हैं क्या? नहीं तो फिर आ जाइए, प्लेट लीजिए, ये लीजिए लीजिए, चटनी भी देता हूँ। रुकिएगा, सांभर भी डालता हूँ। कौन है ये जिसे फोकट में इडली खिला रहे हो? जब हम दोनों मर जाएंगे ना तो शमशान में जो जलाएगा वो यही है। रहने का घर छोटा है तो क्या गरीबों की बड़ी है। शर्म नहीं आती क्या? जी। अपनी बस्ती में इतनी सुंदर लड़की भी है। क्या मस्त दिख रही है, हाँ? कौन है ये लड़की? पता नहीं पापा, कभी देखा नहीं। अभी तो देख लिया ना, जाओ इस लड़की को लेकर आओ, वरना आज तक मैंने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी है। जब तक इस लड़की को मैं छूऊंगा नहीं तब तक किसी और लड़की को हाथ नहीं लगाऊंगा। ए, जब तक मेरी भूख नहीं मिटेगी तब तक तुम लोग भी भूखे रहोगे। ये क्या है भाई, अगर इसकी भूख ना मिटे तो हम भी भूखा ही रहे क्या? ये कहाँ का न्याय है? मैं भी किससे बात कर रहा हूँ, इसे कुछ भी कहो तो ये ठीक से निपटता रहता है। ए, जा अपना काम कर। ए, इस लड़की को कहीं देखा है क्या? नहीं भाई। इस लड़की को कहीं देखा है क्या? नहीं भाई। अगर दिखे तो फोन करना। ठीक है। ए, लाओ उसे। ए, आजा आजा,
चल पापा यही ना। छोड़ो मुझे। ए, ये वो लड़की नहीं है, जाओ उसे छोड़ कर आओ, ले जाओ। जा। क्या हुआ भाई, तुम जो भी लड़की देखते हो बोल देते हो कि नहीं ये वो नहीं है। अरे जा रे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, आखिर हो क्या रहा है भाई ये? ये लड़की अरे ऐसी लड़की अभी इधर से जाते हुए देखा मैंने। ठीक से देख के पहचान के बता। क्या बात करते हैं, जो एक बार मेरे पास इडली खा लेता है मैं उसकी शक्ल कभी नहीं भूलता। सही बोल रहा हूँ, वो उधर गई है, जाके ढूंढो उसे। ए, चलो रे। तो। सुनो बेटी। इधर आओ। तुम्हें ही बोल रहा हूँ, इधर आओ। उस तरफ मत जाना, तुम्हारे ऊपर खतरा है। तुम्हें कभी इस बस्ती में देखा नहीं, तुम यहाँ कब आई? मैं इस बस्ती में नहीं हूँ। क्यों बेटी, इतनी सारी बस्तियों में तुम्हें यही एक बस्ती मिली? कहीं जाने से पहले वो कैसी जगह है ये सब पता करने के बाद ही वहां जाना चाहिए ना बेटा। पढ़ी लिखी हो, संस्कारी हो, इस बस्ती में क्यों आ गए बेटा? यहाँ पे इंसान नहीं, इंसान के रूप में राक्षस बसते हैं। औरत को देखकर भूल जाते हैं कि वो भी किसी औरत की कोख से पैदा हुए हैं। मेरी बात सुनो बेटी, तुम यहाँ से चली जाओ बेटी। ऐसा क्यों कह रहे हैं अंकल, इस बस्ती में और भी तो लड़कियां जी रही है ना। जी क्या रही है बेटी, बस मर मर के जी रही है। तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो इससे पहले यहाँ से चली जाओ बेटी, जा। क्या अंकल, आप खुद भी डर रहे हो और मुझे भी डरा रहे हो, इतने सारे लोग मिलके एक इंसान से नहीं लड़ सकते क्या? उनसे जो लड़ेगा उसे काट कर रेल की पटरी पर फेंक दिया जाएगा। वो जो गोटी है ना, वो मामूली इंसान नहीं है, उसकी रगों में खून नहीं जहर है, नीच इंसान है वो। से क्या हो गया, जीवन बदल सा गया, ये देश क्या से क्या हो गया, जीवन बदल सा गया, कैसी है कहानी, हर आंखों में है पानी, कैसी है कहानी, हर आंखों में है पानी, हर आंखों में है पानी, ये देश क्या से क्या हो गया, जीवन बदल सा गया। अत्याचार से मर रही है जिंदगी इस दानवी प्रहार से, जिस तरफ भी देखो यहाँ पाप का बसेरा है, रोशनी मिलेगी कहाँ हर तरफ अंधेरा है, जिंदगी कहाँ है यहाँ मौत का बसेरा, वो इतना गिरा हुआ इंसान है कि उसने 10 साल की बच्ची तक को नहीं छोड़ा, उसका भी रेप कर दिया उसने। उसी दिन मैंने सोच लिया कि अपनी बेटी को यहां नहीं रखूंगा, कितनी भी तकलीफ हो मगर उसे दूर ही रखना होगा, इसलिए उसे हॉस्टल में रखकर पढ़ा रहा हूं। उसे पढ़ाकर मुझे नौकरी नहीं करानी है, बल्कि उसके साथ यहां कोई अनहोनी ना हो जाए, इस डर में जीने से अच्छा था कि उसे अपने पास से दूर ही रखूं। बेटी तुम यहां किस काम से आई हो मैं नहीं जानता, लेकिन उसकी नजर तुम पर पड़ चुकी है, वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा यहां रहना खतरे से खाली नहीं है, यहां से चली जाओ बेटी। मैं यहां से चली जाऊंगी, मेरा काम खत्म होने के बाद मैं यहां से चली जाऊंगी, उसके बाद एक मिनट भी यहां नहीं रहूंगी मैं। क्या हुआ?
हुआ बेटे, क्या हुआ? वो क्या है ना, मैं स्टोव ढूंढ रही थी आंटी, उसी वजह से ये सब नीचे गिर गया। स्टोव को देखकर लगता है कि वो खराब हो गया है। मेरे घर पे स्टोव है, उसका इस्तेमाल कर लो। क्यों बेटी, इतना शर्मा क्यों रही है तू? हम सब एक ही बिरादरी के हैं। वैसे तुम्हारा सरनेम क्या है? आउला आंटी। हमारा वाघमारे है। तू चुप कर। अच्छा बेटी, आउला हमारे रिश्तेदार है। तू रुक, मैं स्टोव लेकर आती हूँ। क्या हुआ बेटी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मेरे घर से नहीं आंटी, ये आवाज बगल वाले घर से आई है। बगल वाले घर से? ए दरवाजा खोल, ए दरवाजा खोल, क्या हुआ? बर्तन की आवाज क्यों आ रही है? लगता है वो लोग अंदर ही हैं। ए दरवाजा क्यों नहीं खोलती, चल बाहर आ। अगर चोर होता तो ताला तोड़ कर अंदर जाता ना। हाँ। ये देखो, इज्जत से बाहर आओगे नहीं तो सबको बुलाऊंगी। मुझे लगता है ये बातों से समझने वाले नहीं है। कौन हो तुम? ताला लगने के बावजूद अंदर हो? ताला लगे हुए घर पर नहीं हूँ मैं, मुझे घर के अंदर रखकर मेरे पति बाहर गए हैं। क्यों? शक करता है क्या वो तुम्हारे ऊपर? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो गोटी है ना, वो सुंदर औरतों को देखकर उनको किडनैप कर लेता है, इसलिए मेरे पति ने मुझे। वाह वाह, तेरा पति एक महीने से ये इस घर में रह रही है फिर भी हमें पता नहीं चला। ठीक है संभाल कर रहना। सुनिए जी। सुनो दीदी, आप तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है, फिर आप बाहर कैसे घूमते रहती हो? छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। शाहनवाज भाई अस्सलाम वालेकुम। आगे मत जाना, पुलिस वाले चालान काट रहे हैं। अच्छा, पूरा आरटीओ लगा है। तेरे को भी लग गए क्या? हाँ। कितने लगे? 500। अच्छा, वो लंबा गोरा वाला ही चालान काट रहा है। वो आदमी मुझे कुछ नहीं करेगा, मैं संभाल लूंगा उसे। भाई मेरा काम था, मैंने बता दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। अरे क्या कह रहे हो? अरे कादर, मैडम मैडम अभी चले जाएंगे दीदी, मेरे इंतजार करो। चलो ना। आप चिंता मत कीजिए मैडम, चलिए। जो मेरे साथ साथ हाँ रहा तो फिर बात क्या, तू जो रहे पास पास हाँ रहा तो फिर बात क्या। यही जीना यही मरना और जाना है कहाँ, कल थे जहाँ हम है वही और जाना है कहाँ। अच्छा, उस लड़की का नाम क्या है? पहले पैसे निकालो। चोरी छुपके छुपके दीदी दीदी चंदा दो। कहीं से मांगे मुझसे छुपकर मेरे दिल का वो पता, धीरे धीरे हाले हाले दिल मेरा भी कुछ कुछ डोले, जी चाहे मैं दे दूं इस दिल का उसे पता। सांस में हो तुम, सांस में हो तुम, ख्वाब और ख्याल हर एहसास में हो तुम, हर हाँ। क्या चाहिए? मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मेरे पर्स में हमेशा हथियार रहता है, पता है? अकेली हूँ तो पीछे पीछे आओगे क्या?
रेपिस्ट गोटी तुम ही हो क्या? हाँ? मेरा घर पता है क्या तुम्हें? हाँ हाँ पता ही रहेगा, चलो मुझे घर तक ड्रॉप करो। क्यों मैडम, मैं चेहरे से रेप करने वाला लगता हूँ क्या? फिर रेपिस्ट लोगों का फेस कैसा होता है? उनका चेहरा गोटी जैसा होता है मैडम। कल मुझे गोटी को दिखाओगे क्या? ठीक है दिखा दूंगा। वो देखिए सामने गोटी है, काली शर्ट वाला। इसका नाम मुन्ना है, गोटी की आत्मा की तरह है। गोटी ने खाना खा लिया तो समझो इसने भी खा लिया। वो रेप करता है तो इसे खुशी होती है। इसका नाम रंगा है, गोटी का भाई है, शिकारी कुत्ता समझो। जहां कहीं भी अच्छी लड़की देखता है पकड़कर उसके पास ले आता है। यहां से चलना पड़ेगा, ज्यादा देर यहां रुके तो हम पर डाउट करेंगे। चलो था जो हो गया वो सपना, छूट गया वो साथी अपना, बिखर गया पल भर में अपने सपनों का संसार। दे दो तुम आवाज, दे दो तुम आवाज, हूँ मैं तेरे साथ परछाई की तरह, हर घड़ी हो हर पहर। ज्यादा नाटक करे तो खत्म कर दो उसको, लेकिन उसे छोड़ना नहीं किसी भी हाल में। बस आपकी चांदी ही चांदी है। पीने का बंदोबस्त किया है ना? हाँ हाँ किया ना भाई, जाइए ना आप अंदर, आपको सब कुछ मिलेगा, छोकरी के साथ में टोकरी भर दारू मिलेगी। अरे ये लड़की की धर गई रे। हाँ? भाई यहीं पर छोड़ के गया था उसे। नाटक कर रहा है क्या तू? अरे मैं सच कह रहा हूँ भाई, यहीं पर छोड़ कर गया था उसे। कहाँ गई वो, जल्दी ढूंढ। देखते हैं। अरे ढूंढो रे उसे, लड़की भाग गई यहाँ से। दीदी भाई चाय। क्या है भाई, हाथ में कुछ टैटू बनवाया है क्या? टैटू बनवाया है, कहाँ है दिखाओ, दिखाओ जल्दी। कहा ना कुछ नहीं। एस, ये किसका नाम है? संगीता। क्या
सुरेखा, सुशीला, सुष्मिता, इसमें से कौन सा नाम है? अब तो चुप रहे ना, इसका मतलब सूर्या ही है। ओ, ये बात है, अपना नाम भूल जाएगा इसलिए इसने हाथ पे नाम लिखवाया है, है ना? तुम बताओगे या मैं बता दूं दीदी को? कहा ना चुप रहे, कहा क्या बोलना है समझ में नहीं आता। और 10 साल होने के बाद भी नहीं बता पाओगे? भैया वो कमीना आ रहा है, इसकी तो ऐसी की तैसी, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अरे छोड़ो भाई, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, कहाँ जा रहा है? छोड़ो भैया, मैं उसे मार तो लूंगा। छोड़ो, छोड़ो, कहाँ ना? मैंने कहा मेरी बात मान। भैया छोड़ो मुझे। समझ में नहीं आता। ए, तेरे बच्चे होने की वजह से वो तुझ पर रहम नहीं खाएगा। जाता है तो जाने दो, घूम फिर कर मेरे ही पास तो आएगा। उसकी आंखों के सामने उसके बाप को मार डाला, इसीलिए उसे इतना गुस्सा है। क्या हुआ भाई, यहाँ क्यों रुक गए? वो लड़की इस तरफ ही गई है। क्या कह रहे हैं? जिस लड़की को मैंने वीडियो में देखा था। चले, चलो चले, जल्दी चले, चलो रे। इधर तो नहीं है, उधर देखें। चलो उधर देखें। भाई तुम उधर देखो। ठीक है भाई। मना, तुम लोग उस तरफ देखो। हाँ ठीक है भाई। के मामले में मैं बाद में देखूंगा, पहले उस लड़की को ढूंढना मेरे लिए जरूरी है। हे, जाओ जल्दी जाओ। चलो रे। मेरे मम्मी डैडी को मेरे आंखों के सामने ही जान से मार डाला। छोटी लड़की होने के बावजूद भी मेरे साथ जानवरों जैसा सुलूक किया। जब तक उसे नहीं मारती मुझे शांति नहीं मिलेगी। सर को पेपर दिखा, लाइसेंस भी लेके जाना साथ में। ए ऑटो, रोको रोको, उतरो, साहब बुला रहे, चलो। इस टाइम कहां से आ रहे हो? सिनेमा देखकर आ रहा हूं सर। क्या? ये देखिए सिनेमा की टिकट। वो लड़की कौन है? पहचान के साहब। इधर बुलाओ। क्या नाम है? मेरा नाम सुजाता है। हाँ सुजाता। बैग दिखाओ। जाओ।
इस बस्ती में मुझसे बदला लेने वाले ही नहीं बल्कि सोचने वालों का भी यही हश्र करूंगा। तुमसे ही मिलने आ रही थी। कौन हो तुम? क्या हुआ सुरी? कौन हो तुम? गोटी को क्यों मारना चाहती हो? तुमने देख लिया क्या? लेकिन मुझे अभी तक कोई नहीं समझ पाया। गोटी को कोई क्यों मारना चाहेगा? क्योंकि उसके हाथों से लड़कियों की बलि जो चढ़ रही है। वही तो पूछ रहा हूँ, किसकी बलि चढ़ रही है? तुम्हारी या तुम्हारे घर वालों की? मेरा पूरा परिवार उसके हाथों से बलि चढ़ा है। उसने जो किया है उसके वजह से मुझे आज तक नींद नहीं आती। उसे कैसे मारा जाए दिन रात मैं बस यही सोचती रहती हूँ। जब तक मैं उसे खत्म नहीं कर देती चैन से नहीं बैठूंगी। उसे मारने के चक्कर में तुम्हें कुछ हो गया तो? कोई परवाह नहीं, मेरे पीछे रोने वाला मेरा कोई अपना नहीं है। मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारा अपना। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें पता नहीं है? नहीं पता। तो मेरे इतना करीब क्यों आ गई हो? गोटी की जानकारी लेने के लिए। तुम मुझ पर जो भरोसा करती हो इसे प्यार ही तो कहते हैं। गोटी के मरने तक मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। सुजाता, तुम चाहे मानो या ना मानो लेकिन तुम उससे प्यार करती हो। तुम्हें भरोसा है कि मैं गोटी को कुछ नहीं बताऊंगा? यही भरोसा तो प्यार है। हाँ बेटी आशा। हाँ पापा। अच्छी हो ना बेटी? मैं फर्स्ट रैंक में पास हो गई पापा। ऐसा क्या? हाँ। मुन्ना। हाँ भाई। ले जाके कुत्ते को डाल दो। अपनी किस्मत से तो अच्छी जानवरों की किस्मत है। देख रहे हो जानवरों से कितना प्रेम करते हैं, हम लोगों से कोई प्रेम नहीं है इन्हें, बस ऐसे ही साथ दिए जा रहे हैं। चल हट आगे से, ये ले खा ले। माँ, माँ क्या हुआ रे? क्या हुआ? क्या हुआ बोल? इनसे कहो ये बस्ती छोड़कर चली जाएं। ऐसा क्यों बोल रहा है तू? हम लोग भी कहीं और चले जाएंगे। आखिर हुआ क्या बता ना। मैं नहीं बता सकता, आप हॉस्पिटल जाके देख लीजिए। चलो बेटी। लक्ष्मी। हाँ? देखो सुजाता आई है। लच्छू, रात को बुलाया तो क्यों नहीं आई? तेरी बीवी हूँ क्या? तू जब भी बुलाएगा मैं चली आऊंगी। क्यों रे, बहुत ज्यादा बोल रही है तू, तेरी तो। लच्छू
अच्छू नखरा मत कर, नखरा मत कर, अच्छू देख मांझा, अच्छू मम्मी, छोड़ो मेरी मम्मी को, छोड़ो मेरी मम्मी को, छोड़ो मांझा, अच्छू मेरी बेटी मांझा, रुक जा तू, बेटी को मारेगा, हेल्प उसे छोड़ दो भाई, उसके साथ कुछ मत करो। डरो मत, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अभी मैंने एक सुंदर लड़की को देखा है, जब तक वो मुझे नहीं मिल जाएगी तब तक मैं किसी का रेप नहीं करूंगा, ऐसी मैंने कसम खाई है। क्या है रे तू, मेरे घर के सदस्य को कुत्ते भी काटने से डरते हैं और तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे दामाद को मारा? ए मुन्ना। हाँ भाई। बताओ कि इसका क्या किया जाए? सजा दी जाए। सजा नहीं, वरदान दे रहा हूं इसे। भैया भैया छोड़ दो। तुझे यहाँ पर पकड़ना अच्छा नहीं लगता है ना, इसीलिए अब इसे कोई भी नहीं पकड़ेगा। ए मेरा छोटा बच्चा है दूध पीने वाला, ऐसा अन्याय मत करो भैया। हम मैं अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकती हूँ। चुप हो जा लक्ष्मी, मत रो, मत रो लक्ष्मी। पुलिस केस नहीं किया क्या? उसके दामाद को मारा तो ये हाल कर दिया, उस पर केस करेंगे तो पता नहीं क्या। क्या बोल रहे हैं आप? आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ फिर भी आप कंप्लेंट नहीं करेंगे? नहीं कर सकते, चोटें जल्दी ठीक हो जाए और ये काम पर वापस जाने लगे, बच्चों को खाना देने लगे। मेरे हिसाब से आप लोगों को इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पर आप तो सोच सकते हैं ना, आपने क्यों नहीं कंप्लेन की? सोचूंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा इसका डर नहीं है मुझे, लेकिन मेरे मरने के बाद इन लोगों का इलाज कौन करेगा? कितने अच्छे से आप अपने आप को कवर कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। उन लोगों के ऊपर केस तो होना चाहिए जो मैं करूंगी। लक्ष्मी तुम्हारी रिश्तेदार है, जब उसने हादसा आंखों से देखा है तो उसके लिए रिश्ते की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है, पर सोचो ये हिम्मत कल गवाही देने तक रहेगी क्या? बिल्कुल मिलेगा, पहले तुम केस फाइल करके उसे अरेस्ट करो। तुम्हारे बोलने से अरेस्ट नहीं करेंगे, क्राइम की जगह पर जाकर इंक्वायरी करेंगे। तुमने जो कहा है अगर गोटी ने किया है ये पता चला तो गोटी तो क्या, उसके बाप को भी अरेस्ट करेंगे। चल। ये तो लक्ष्मी के पति है, आपने इन्हें क्यों अरेस्ट किया? पत्नी के ऊपर शक के कारण इसी आदमी ने उसके स्तन को काट दिया, सैडिस्ट कहीं का। दूध पीने वाला बच्चा है तू, इतनी सी अकल नहीं है तुझे? ये झूठ है सर। अच्छा ये झूठ है, बता बे, बोल किसने किया ये काम, बोल बोल ना। मैं नहीं किया सब, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, दारू के नशे में मैंने उसका स्तन काट डाला। ले चलो। तुमने जो हरकतें की हैं, मैंने उसके लिए तुम्हें नहीं बुलाया। यहाँ की पब्लिक में जो तुम्हारा डर है और जिसकी वजह से मुझे वोट मिल रहे हैं, इस वजह से तुम लोगों को बुलाया है मैंने, और ये डर ऐसे ही बना रहना चाहिए। मुझे पता है कि हाथी बांधना आसान है लेकिन उसे चारा खिलाना बहुत कठिन है,
और ये सबके बस की बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब हाथी तो पब्लिक है और चारा है हम। जब तक उन्हें उनकी शक्ति का पता नहीं चलता तब तक हम बलवान हैं। ये वक्त है संयम से काम लेने का, लेकिन जिसने भी केस किया है उसके हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, जिसने भी केस किया है उसे मैं देख लूंगा। चलता हूं मैं। सुजाता, सुजाता, चलो। क्या हुआ बताओ? गोटी तुम्हारे लिए आ रहा है। आया तो क्या हुआ? तुम झांसी की रानी समझती हो? चलो। भाई ये औरत उसे पहचानती है। वो घर खाली है इसलिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ए, ये क्या है? ये तेरा तो नहीं लगता। चलो उसे ढूंढते हैं। ए, घर घर में घुसकर देखो और सभी औरतों को लेकर आओ। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। जाओ जल्दी। अरे घर में जाओ। सारे घरों को चेक करो। भाई क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहा है? रुको भाई, क्या कर रहे हो? सब लड़कियों को आए हो ना तुम लोग? देखता हूँ कौन सा वो चेहरा है। ए, ये वो लड़की नहीं है। तुम उस लड़की को जानती हो? तुम सुजाता को जानती हो? मैं उसे नहीं जानती साहब। तुझे देखने के बाद तो छोड़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मैंने जो कसम ले रखी है कि सुजाता से पहले मैं किसी और लड़की का रेप नहीं करूंगा, इसीलिए तुझे छोड़ूंगा। जा। सुजाता मेरी बात सुनो, सामने मत जाओ। ए सुजाता, तेरे अंदर इतनी हिम्मत की तू पुलिस में जाकर मेरी रिपोर्ट लिखाएगी? मैं कहता हूँ सामने आ जा। अगर तू सामने नहीं आई तो मैं इस लड़के का गला काट दूंगा। जल्दी सामने आ जा। सुजाता मेरी बात सुनो, सामने आ जा। इतने दिनों से मैं तेरा एक एक पल इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, जिस लड़की को मैं चाहता हूँ वही लड़की मुझे मारना चाहती है। हे भगवान, ये क्या ड्रामा है? किसके हाथों से कौन मरेगा ये देखते हैं। सुनो, यही है वीरांगना सुजाता, तुम सबको बचाने वाली देवी। तू तो इन सबको मुझसे बचाना चाहती थी, लेकिन अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? देख तुझे आंख फाड़ फाड़ के कैसे देख रहे हैं सब। जब तेरा रेप होगा तब इन लोगों को अच्छा लगेगा। तुम लोगों की ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा, बस अब थोड़ी ही देर में इसके बदन के सारे कपड़े उतरते हुए तुम लोग देखोगे। रेप करके इसको यही मारूंगा। छोड़ो, देखो। अब भाग भाग के दिखा। जब भी मेरी किसी लड़की पर नजर पड़ी है तो उसका रेप करके मार दिया उसे,
लेकिन तूने मुझे बहुत सताया है, लेकिन तुझे मैं आसानी से मरने नहीं दूंगा। मैंने जो कसम खा रखी है, तेरी आंखों में मुझे मौत का डर नहीं दिखाई दे रहा। मुझे क्यों डर लगेगा? क्या करेगा तू? रेप करेगा? कर लेना। तुझसे लड़ने की शक्ति तो मेरे पास नहीं है, तो क्यों फालतू में चिल्ला के अपनी एनर्जी वेस्ट करूं? तेरी मर्जी, कोई जानवर मेरे ऊपर है ऐसा समझ लूंगी मैं, लेकिन इसे सोचकर मैं रोऊंगी नहीं, तेरे मरने तक ये बस्ती में छोड़ूंगी नहीं। तुझे जो करना है कर ले। ठीक कहा तूने, जब तक मेरी मर्जी है तब तक तू इस बस्ती से ही नहीं इस दुनिया से कहीं नहीं जा सकती। ए पांडी, ये अपना भाई इतनी देर क्यों कर रहा है? रेप करने में आखिर इतना टाइम थोड़े लगता है। नाटक कर रही क्या? जो पत्थर जैसी पड़ी है, तेरी बिना मर्जी से हो रहा है क्या? ये कोई सुहाग रात नहीं है। मैं तो तेरा रेप करके सिर्फ अपना बदला लेने वाला हूं। दिखा अपनी हिम्मत, दिखाती क्यों नहीं है अपनी हिम्मत? चिल्लाती क्यों नहीं है? तेरा रेप हो रहा है ऐसा बोलकर चिल्ला क्यों नहीं रही है? अरे कुछ तो बोल। अरे तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? अरे मैं कब से बेकरार हो रहा हूं? मारना चाहती है ना? ले मुझे मार, मार 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 मुझे मार मार। थूकना चाहती है ना? ले थूक मेरे ऊपर, थूक थूक दे। तू नहीं जानती मैंने कितना तेरा इंतजार किया है। तू ये नहीं जानती है 300 लड़कियों का रेप किया है मैंने। तो मुझे हिजड़ा बना देगी क्या? hey! अब तक तू मेरे साथ नाटक कर रही है? मरना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुझे खत्म कर दूंगा। बस्ती में औरतें सिर्फ मेरे लिए ही हैं, वरना वो जिंदा नहीं रहती हैं। उठ, क्या हुआ तेरा नाटक? ए पांडे, ऐसे क्या देख रहा है? अंदर जो शूटिंग हो रही है वो चलती रहेगी। क्या कहते हो भाई, अपने को भी एक चांस मिलना चाहिए। तेरे को चांस चाहिए क्या? अरे भाई को पता चल गया ना तो तेरे को उल्टा टांग देगा। बात करता है। का डर नहीं है ना? मरने का भी डर नहीं है ना? पता नहीं तेरी मां ने तुझे किस टाइम पे पैदा किया था। अरे अरे भाई, क्या कर रहे हो भाई? वो सबका मर चुके हैं भाई, इसकी जान अब नहीं है भाई, इसकी मिट्टी क्यों खराब कर रहे हो? मुन्ना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये बात मैं और तुम जानते हो खाली। और अगर कोई ये बात जान भी गया तो वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। इसे ले जाकर पहाड़ों में फेंक दो। ए सुनो रे, उठाओ इसे। तू
तू सोच रहा है ना कि मैं मर गई? आज के बाद किसी भी लड़की का मैं रेप होने नहीं दूंगी। तुझे मारे बिना मैं खुद भी नहीं मर सकती, ये मैंने कसम खाई है। मुझे जीना है और मैं जीऊंगी। भाई 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 क्या है रे? इसका नाम वायग्रा है भाई। मतलब? इसका मतलब इसको खाने से पूरे शरीर में एकदम जोश आ जाता है। क्या बात कर रहा है? क्यों भाई? ये बात अगर भाई ने सुन ली ना तो तेरे साथ तेरी फैमिली का भी रेप कर डालेगा। वो कोई सामान्य इंसान नहीं है, इसने अपनी पत्नी का भी रेप कर डाला है। पत्नी का रेप कर दिया? और क्या तुम जानना चाहते हो? हमेशा आपकी आंखों में मुझे खून दिखाई देता है, कभी मेरी तरफ प्यार से भी देख लिया करो। देखो ना, देखो मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ, एक बार मुझे प्यार तो करो। देखो तुम्हारे प्यार का इंतजार करते करते कैसे सूख गई हूँ, मेरी तरफ देखते भी नहीं हूँ। देखो तो सही मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा संबंध कहीं बाहर। भाई इंसान सेक्स में विचित्र हो जाता है। अभी अपने मामा को ही देखो, ड्रिंक करेगा तो ही सेक्स करता है वो। और सुनिए, प्लेस चेंज करने से भी नहीं कर सकता, और अगर फेस चेंज हो गया तो भी नहीं कर पाता। मतलब जो जिसकी आदत पड़ी हुई है वही कर सकता है। भाई अभी तक तुमने जो किया है वो कोई मामूली चीज थोड़ी है, रेप किया है, रेप। 4 महीने में आदत सुधर जाएगी। अब जाओ सुहाग रात मना लो भाई, आपकी बीवी इंतजार कर रही है। भाई चिल्लाकर रोती है तो मुझे बहुत मजा आता है। तुझे बहुत प्यार करने का शौक है ना? अभी मैं करता हूं, बताता हूं तुझे। आजा। तो ये है कहानी। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर किसी को कानो कान खबर हुई ना तो सबको खत्म कर दूंगा। तुम्हारे माँ बाप ने पुण्य कर्म किए होंगे इसलिए तुम उसके हाथों से बच गई और जिंदा हो। उसे ये बात पता लगने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ बेटी। मैं उसके हाथों से बच गई इस बात को मैं खुशनसीबी नहीं समझती। मुझे उसकी कमजोरी पता चली है आंटी। किसी भी लड़की का रेप नहीं होगा अगर उसने थोड़ा सा साहस दिखाया तो। कोई भी लड़का उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा और यही उसकी कमजोरी है। बस यही सारी बातें आप ध्यान में रखना।
आप सभी लोग मुझसे मिलने आए मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आप सबसे पूछना है, क्या इससे पहले आप किसी लड़की से मिलने गए थे? आप सभी यहाँ आए हो मेरी वजह से नहीं, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस की वजह से। गोटी के जुर्मों को सहना तुम सभी ने आदत बना ली है। बस एक बार अपने अंदर साहस बटोर लो और वही साहस तुम्हारे काम आएगा। आप लोग अपने अंदर के डर को निकाल दो। डर कितना छोटा होता है तुम्हें खुद पता चल जाएगा। आप सभी को अपनी समस्याओं से सामना करना चाहिए। जब सामना करोगी तो समस्या अपने आप भाग जाएगी। ऐसे लोगों को मारने के लिए आप लोग सोच रहे होंगे कि भगवान यहाँ आएंगे, वो बिल्कुल असंभव है। अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी है, इसमें डर किस बात का, ऐसे लोगों के हाथों मरने का। तो क्यों ना हम ऐसी मौत मरे जो किसी के काम आए। और इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग गोटी का सामना करो, फिर पता चलेगा वो कितना हिम्मती है। छोड़ो, अब क्या हुआ? कहां से लेकर आए उसे? बिना मूड के मेरे साथ जबरदस्ती कर रही है ये, लेकर जाओ इसे। मैंने जो कल बस्ती में एक लड़की देखा था उसके होठ बहुत सुंदर लग रहे थे, उसे लेकर आओ जल्दी। क्या है मेरी नई दुल्हनिया, तेरा पति तुझे अंदर बंद करके जाता है ना, आज के बाद तेरा ताला ही टूट जाएगा। ये क्या है, तू भी नाटक कर रही है उसके जैसी? तो कर ले मेरे साथ। बिल्कुल होगा तेरे साथ, लेकिन मेरे आदमी करेंगे तेरे साथ। मन्ना, क्या हुआ भाई, आप बहुत जल्दी आ गए। अरे वो लाश के जैसी पड़ी हुई है और मैं लाश के साथ नहीं सो सकता। ए, तुम लोगों को मैं चांस दे रहा हूँ, जाओ और उसके आदमी को लेकर आओ। उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी की इज्जत तार तार कर दो, जाओ। छोड़ दो,
मेरी पत्नी को छोड़ दो, छोड़ दो, मत करो ऐसा, छोड़ दो उसे। अभी तक जिंदा है, वो मर गई समझ के हमने बहुत बड़ी गलती की है। उसे किसी ने तो बचाया है और उसे कहीं पर छिपा कर रखा है। बस्ती में सभी को वो बात पता रहेगी। गुस्सा, बदला, जलन, यही सब उसे अभी तक जिंदा रखी है। इतना होने के बावजूद वो चुपचाप नहीं बैठेगी। बस्ती के लोगों को भड़का रही है वो। डर कितना छोटा होता है तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मेरी बात कितनी सच है जाओ पता करो इस बात का। जैसा तुमने कहा था ठीक वैसे ही उनके सामने हिम्मत से खड़ी थी, लेकिन वो अपने आदमियों को बारी बारी भेजता रहा और फिर उन सबने मुझे भाई भाई वो लड़की जिंदा है। हाँ हॉस्पिटल में है। मुझे पता था वो मेरी ख्वाहिश पूरी किए बिना नहीं मरेगी। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने का चांस नहीं है भाई। उस लड़की को तुम्हारे बारे में पता चल गया। क्या भाई, मैं तुम्हारी कमजोरी के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे मार के कोई फायदा नहीं है भाई, उस लड़की को मार डालो, उस लड़की को मार डालो भाई। मार डालूंगा तो समस्या मिट जाएगी, लेकिन मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। जिसके लिए मैं दिन रात तड़प रहा हूं उसका क्या होगा? किधर है वो? क्या बोल रही है? बता क्या बोल रही है? मैंने तेरा रेप नहीं किया ये बात तूने पूरे गांव में बताया? आज पूरे गांव के सामने मैं तेरा रेप करूंगा, आज सब देखेंगे। जब सबके सामने तेरे कपड़े उतरेंगे और तुझे शर्म नहीं आएगी। मेरे खिलाफ तू गांव वालों को भड़का रही थी ना, अब तुझे पता चलेगा। दिखा तू मुझे अपनी हिम्मत, दिखा। चल से सुनावा सो मामा राती ये को निदाहा निवेदाहा। चल चादरे से सुनावा सो मामा राती ये को निदाहा निवेदाहा। चल सारा छोड़ो दुर्गानी विश्वाना वे वसिंतुम दुरिता देवी। सारा पर्शन दुर्गानी बड़ी हिम्मत आ गई क्या तुम लोगों के अंदर? मेरा डर खत्म हो गया, चुपचाप अपने घर चले जाओ, जाओ। औरत जब बन जाए काली फिर देखो क्या होगा। जाओ रे, सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? जाओ, जीवन प्यारा नहीं है क्या तुम लोगों को? जाओ, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ तुम लोगों को। छोड़ दी
के मुजरम से अब हमने जीना छोड़ दिया है, जहर गुडर का अब हमने पीना छोड़ दिया है। जागो अब जागो, इस मुजरम को दिखला दो, ये समय ठीक नहीं है, इस गौरैया के पर हम बाद में कतरे हैं। चलो इसे, चलो इसको आज दिखा दो। अरे ये क्या भाई, ओहो हो, अरे क्या कर रहे हैं भाई, छोटे बच्चों के जैसे हरकतें कर रहे हैं। बैठिए बैठिए, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। मुन्ना, उसे खत्म कर दो, उसने मेरी खुशी छीन ली है। बहुत हिम्मत आ गई है ना, इतने दिनों से मैंने रेप को हथियार बनाया था, लेकिन अब वही हथियार मेरे पे तान रही है। उसे खत्म कर दो। उस लड़की का नसीब अच्छा है भाई, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे हाथों से मर के बचना उसकी खुशनसीबी नहीं होगी, बल्कि बदनसीबी होगी। तड़प तड़प के मरने के लिए ही जिंदा है वो। जाके उसे लेकर आओ, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसके बिना मेरा मन शांत नहीं रहेगा। भाई मैं उसे लेकर आऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और आप उसे मारोगे? कैसे लेकर आओगे, सारे रास्ते तो बंद हैं। भाई उसे तुम्हारे पास लाने का कोई ना कोई रास्ता तो मिलेगा ही मुझे। क्यों भाई साहब, नए आए हो क्या? जी हाँ। कौन से गांव के हैं? कौन सा गांव? ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं जिस गांव में जाता हूँ वही मेरा गांव हो जाता है। इतने दुखी हैं तो अपना गांव छोड़कर यहाँ क्यों आ गए हैं? छोड़ा नहीं है, भगा दिया गया हूँ। प्रोजेक्ट बना रहा था, हमको थोड़े से पैसे दिए, उस पैसे को भी लड़कों ने ले लिया। इस बात का मलाल नहीं है कि पैसे ले लिए, मलाल तो ये है कि घर और गांव से भी निकाल दिए। अब इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ, कोई काम हो तो बता दो। हाँ, उम्र हो गई है तो यहाँ क्या कर रहे हो? बेटी, जीने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, और मेहनत करने में शर्म कैसी, इंसान को मेहनत करनी चाहिए। बेटी आशा। हाँ पापा। कैसी है बेटी? हमें छुट्टी मिल गई है पापा। ऐसा क्या? हाँ। और क्या, कल सुबह ही तेरे पापा तेरे पास आ जाएंगे। क्या लेकर हो बोलो? इस बार मैं खुद घर पर आऊंगी पापा। नहीं बेटी, तुम यहाँ मत आना, मैं आ जाऊंगा। प्लीज पापा। मेरी बात मानो बेटी, जिद मत करो, तुम्हें यहाँ नहीं आना, मैंने बोला ना। नहीं पापा, मैं आ जाऊंगा। रखो फोन। हाँ। नमस्ते सर। हाँ सब ठीक है ना? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। और बताओ कोटी, कैसे हो? इस दुनिया में पुरुषों को कौन सा मामला सबसे ज्यादा परेशान करता है पता है? औरत का? बिल्कुल नहीं, उसके प्यार का मामला। जिसे प्यार नहीं मिलता वो परेशान हो जाता है। सुनो गोटी, जैसे ही तुम्हारा काम पूरा हो जाए औरत को खत्म कर दो, आगे मैं संभाल लूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सुनो, रात को मैंने पार्टी रखी है, अपने भाई को लेकर पार्टी में आ जाना, एंजॉय करेंगे। Oh,
मैं खूबसूरत कम सिंकली जब निकलूं भूकंप आ जाए कर दूं इशारा जैसे मेरे पास मिलनी तुरंत आ जाए आना नहीं तेरे हाथ में अभी जाना नहीं तेरे पास में अभी आना नहीं तेरे हाथ में अभी जाना नहीं तेरे पास में अभी एक तू ही नहीं यहाँ हर कोई दीवाना है हर आशिकों को बस पास मेरे आना है डिबी 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 डब जली जवानी नॉन स्टॉप डिबी 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 डब जली जवानी नॉन स्टॉप मैं खूबसूरत कम सिंकली जब निकलू भूकंप आ जाए कर दूं इशारा जैसे मेरे पास मिलनी तुरंत आ जाए सबसे अलग ये चांद ढाल सबसे अलग मुझ पे फिदा सारा जहां मेरा नशा सबसे अलग कुछ कहो कुछ करो उफ ना करेगी जवानी मेरी कुछ करो जी ये निकोड़ी जवानी तेरी तेरे लिए है मेरे होठों की लाली एक तू ही नहीं यहाँ हर कोई दीवाना है हर आशिकों को बस पास मेरे आना है डिबी 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 डब जली जवानी नॉन स्टॉप डिबी 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 डब जली जवानी नॉन स्टॉप अरे बेटी मैं हूँ दादाजी हाँ हाँ बस अभी आई जा पिछले 50 सालों में मेरे हाथों से कोई नहीं बचा है तो तू क्या चीज है चल चुपचाप मेरे साथ ए लड़की अगर मैं तुझे यहां से जिंदा उठाकर लेके जाऊंगा तो गोटी मुझे पैसे देगा और उन पैसों से मैं अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराऊंगा तब कहीं जाके उसकी जान बचेगी बेटी मुझे मत मारो बेटी मुझे मत मारो छोड़ दो मुझे मैं मजबूर हूँ ए सुनना रे देर ना कर कब से दिल बेकरार है देख मेरे भाई को तेरा इंतजार है ये देर ना कर कब से दिल बेकरार है देख मेरे भाई को तेरा इंतजार है आयो देखो मेरा गोरा बदन जल जाऊं तुम जला दो मुझे छुपे मेरा शोला बदन कुछ कहो कुछ करो उपना करेगी जवानी मेरी कुछ करो जी ये निकोड़ी जवानी तेरी तेरे लिए है मेरे होठों की लाली एक तो
तू ही नहीं, यहाँ हर कोई दीवाना है, हर आशिकों को बस पास मेरे आना है। डिबी 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 डब, जली ये जवानी नॉन स्टॉप। डिबी 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 डब, जली ये जवानी नॉन स्टॉप। डिबी 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 डब, जली ये जवानी नॉन स्टॉप। डिबी 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 डब, जली ये जवानी नॉन स्टॉप। डिबी 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 डब, जली ये जवानी नॉन स्टॉप। डिबी 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 डब, जली ये जवानी नॉन स्टॉप। डिबी 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 डब, जली ये जवानी नॉन स्टॉप। तेरी तो क्या हुआ? रुक जा, रुक, बताता हूं तुझे। इडली ले लो, इडली। अरे जल्दी चलो, चलो चलो जल्दी। अरे सब लोग ऐसे भाग क्यों रहे हो? अरे जल्दी चल। भाई ऐसे भाग क्यों रहे हो तुम लोग? वहां पेड़ से एक लड़की ने फांसी लगा ली है। फांसी लगा ली? अब क्या पता उसने खुद लगाई या किसी ने मार के लटकाया। इस बस्ती में तो ये रोज की बात है। अरे राजू, किसी लड़की ने फांसी लगा लिया क्या? मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो रास्ते से जा रहा था। हाँ भैया, स्कूल जाने वाली लड़की थी, स्कूल ड्रेस में ही थी। स्कूल ड्रेस में? हाँ, लाल कलर का ड्रेस पहना था। लाल स्कूल ड्रेस? हेलो। हेलो, हाँ कौन? आशा है क्या? कौन सी आशा? टेंथ क्लास की आशा। वो तो कल रात को ही चली गई। हेलो, मेरी आशा, 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 बेटी, बेटी आशा। आशा, तुम्हें कुछ ना हो इसलिए इस गांव से दूर रखा था, तुम्हारे साथ ही ऐसा हो गया। हे भगवान, सुनो,
मेरी बेटी को नीचे उतारो, मेरी बेटी को नीचे उतारो, बेटी 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 आशा, बेटी 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 आशा, बेटी। ऐसा लग रहा है कि मैंने ही मार दिया, अपनी बेटी को मैंने ही मारा है, हम ये गांव छोड़कर क्यों नहीं चले गए? ये गांव ना छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक भी आदमी ने उसका सामना नहीं किया है, इसीलिए हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। आज मैंने अपनी बेटी को भी खो दिया। अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए मैंने दिन रात इडली बेचे, सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी इस गांव से दूर रहे। कब तक? अगर सबकी बेटियां ऐसे शिकार बनती रहेंगी तो इस गांव में बेटी पैदा होते ही लोग उसे मार डालेंगे उसे। बच्ची को भी नहीं छोड़ा। हे भगवान, आशा आशा बेटी, आशा बेटी, आशा आशा, ये देखो बेटी, मैंने कितने पैसे कमाए, मैंने कितने पैसे कमाए थे कि तुम इस गांव से दूर रहो, लेकिन क्या हुआ आज क्या हुआ बेटी? देखो क्या फायदा हुआ इसका, क्या फायदा हुआ? मेरी बेटी को मार दिया उसने। बेटी 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 आशा, मेरी बेटी मुझे देखने आ रही थी। बेटी 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 एक बार आंखें खोल दे, बेटी आंखें खोल दे, अपने पापा को देख ले, बेटी बेटी देख ले अपने पापा को एक बार, बेटी आशा, अगर नहीं देखेगी तो मैं भी मर जाऊंगा, बेटी देख ले। अंकल, अंकल, अरे अंकल, क्या हो गया? हे भगवान, हे भगवान, आज मैं उसे मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। छोड़ो भैया, छोड़ो, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। क्यों रोक रहे हो? आज मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे मार डालूंगा। इसमें जो साहस है वो तुम लोगों में नहीं है। हम दोनों ही उसका मुकाबला करते हैं, इन सब में वो ताकत नहीं है। चल छोटू। भाई, मना क्या हुआ? बस्ती के सारे लोग इसी तरफ आ रहे हैं भाई, वो लड़की सुजाता सबको इधर ही लेकर आ रही है भाई, कुछ करना पड़ेगा। भाई मेरी बात सुनो, यहाँ रहना ठीक नहीं है भाई, चलो निकलो यहाँ से। कौन यहाँ पर आ रही है? गोटी हूँ मैं, गोटी पे हमला करने वाला कोई नहीं हो सकता। गुजरे हुए 20 सालों के अंदर मैंने 100 मर्डर किए हैं और किसी ने केस तक नहीं किया, अब किसमें इतनी हिम्मत आ गई? भाई उन लोगों के इरादे ठीक नहीं लगते, मुझे तो लगता है वो लड़की बदला लेके ही रहेगी। तो फिर जिद मत करो भाई, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ भाई, प्लीज मान जाओ। चल जा रे। भाई भाई मैं आपके पांव पकड़ता हूँ, जा भाई, चलो ना भाई, उठो ना भाई, चलो इन्हें भाई, उठो जल्दी, उठो उठो, चल जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे छोड़ दो मुझे, मौके की मजाक कर रहे हो तुम लोग? बात मानो, यहाँ से जल्दी चलो, पकड़ो इन्हें, छोड़ो मुझे, निकल चलो। अरे ये गोटी की बस्ती है भाई, मुझे डरा रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। तो मोर नलाय को यहाँ बैठकर ताश खेल रहे हो? डूब मरो, डूब मरो तुम लोग, डूब मरो, मरो। Thank you.
तेरे किए हुए इन पापों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुझे मार डालूं। तेरी नजर में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। किशोर, लोगों को जल्दबाजी बहुत है। तुम दो दिन के लिए कस्टडी में रह जाओ। काम पे नहीं जाएंगे तो बच्चे खाएंगे क्या? ऐसे में लोगों का जोश कितने दिन रहेगा? ए प्रताप सर, गोटी को रेप केस में अरेस्ट करके कल ही कोर्ट में हाजिर करो। ठीक है सर। वकील साहब, कल बेल की तैयारी कर लो। हर जीभ को अलग अलग स्वाद पसंद है और हर दिमाग को अलग अलग सोच। पाप और पुण्य कुछ नहीं होता है। मुझे तो शिकार करना ही पसंद है, वो भी दौड़ा दौड़ा के जानवरों की तरह। रेप करने में मुझे मजा आता है। जब तक मेरे सामने औरत डरती नहीं, मुझे उसके साथ मजा नहीं आता, चाहे वो अपनी बीवी हो या बाहर रखी हुई कोई और। अगर ये सब पाप है तो फिर इस जहां में कोई औरत होनी ही नहीं चाहिए थी, और अगर वो है तो उसका उपयोग करना भी मैं गलत नहीं समझता हूँ। पाप पाप और पुण्य की कहानी मुझे मत समझाओ, ये सब उसका बनाया हुआ है, समझ रहे हो ना? पाप और पुण्य की कहानी आज के बाद मेरे सामने मत करना। 20 साल से इस बस्ती को पाल रहा हूँ, मेरा किसी ने बाल भी बांका नहीं किया है। आज वो लड़की मुझ पर हमला करवा रही है। उन सब को खत्म करने के बाद मैं अपने आप को यहाँ पर आकर सरेंडर कर दूंगा। तुम्हारी जो मर्जी है कर लो। ए मुन्ना चलो। शांति रखो भाई, बैठ जाओ, शांति रखो। सुनो गोटी, चेहरे कदम पीछे हटता है तो डर कर नहीं हटता। हमला करने के लिए आज का दिन पुलिस स्टेशन में रहो, आगे क्या करना है वो मैं देखता हूँ। गोटी बस्ती में नहीं है तो सारे लोग खुश हो रहे हैं, एक यही है जिसे बुखार आ रहा है। क्या वो इतनी आसानी से बस्ती छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। वो इस बस्ती को छोड़कर जिंदा रह ही नहीं सकता। वो एक साइको है। वो अपने पैसों के बलबूते पर इतने सालों से राज करता आ रहा है, तो वो इतनी आसानी से बस्ती क्यों छोड़ेगा? Hey, वो इडली वाले की लड़की मर गई तो क्या फर्क पड़ गया? तो क्या हुआ गोटी के, हम सारे साथी तो बाहर ही है ना। अगर गोटी ने एक इशारा कर दिया ना तो यहाँ पर कोई जिंदा नहीं बचेगा, समझे? Hey. मेहनत करके रोजी रोटी कमाने वालों को ये गुस्सा और ये घमंड की क्या जरूरत है? लेकिन तुम लोग नहीं सुनोगे, बिल्कुल नहीं सुनोगे तुम लोग। अभी सबकी मौत एक एक करके आएगी, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। सच बोल रहा हूँ, कुछ नहीं करोगे, बैठे रहोगे चुपचाप। हम लोग इंसान है, गुस्सा क्रोध जल्दबाजी तो रहेगी। आप तो चुपी हो जाइए, आपके कहने की वजह से ये सब हुआ है इस गांव में। हम लोगों को शांति से जीने दें, आप जाइए यहाँ से। देखो भाई साहब, घुटघुट के जीने से क्या फायदा बताओ तो? हिम्मत से जीने वाले लोग बहुत कम होते हैं, लाखों करोड़ों में से एक या दो ही होता है जो हिम्मत से जी पाता है। और ऐसे में तुम गलत ठहरा रहे हो, ये तो अन्याय है ना। अब अन्याय ही समझिए, कल गोटी की बेल हो जाएगी, बस्ती में आएगा और फिर एक एक करके मारेगा सबको, बदला लेगा सबसे। सोचा था शांति से इस गांव में रहकर रोजी रोटी कमाऊंगा, लेकिन आप लोगों की वजह से सब चला गया, और ये देवी जी उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है। सुनो, गांव में अकेलापन शत्रु, आदमी गरीब है तो कर्म शत्रु, बोझ शत्रु, जिम्मेदारी भी शत्रु ही है। नेकी शत्रु, बदी शत्रु, जीवन शत्रु, मृत्यु शत्रु। इतने शत्रुओं को झेलने से अच्छा एक गोटी को क्यों नहीं झेल सकते हम? उसके लिए बेइज्जती सहते हुए भी जी रहे हैं, जिंदा लाशों की तरह जी रहे हैं। इन्होंने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही है, इस पर हमें सोचना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है ये बोलो। सुनो भाई, मेरे अकेले के निर्णय से कुछ नहीं होने वाला, सब लोगों को इस विषय पे सोचना पड़ेगा। सच कह रहा हूँ, देखो सबसे कह रहा हूँ, हम सब लोग एक साथ उस गोटी के पास जाएंगे, उसके पैरों पर गिरकर हम सब लोग माफी मांग लेंगे, नहीं तो वो एक एक से बदला लेगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा गांव में। इसीलिए कहता हूँ, अगर जीना चाहते हो तो माफी मांगनी होगी, मांगोगे ना?
रात में हमने जो बातें की थी वो आप सभी को याद है ना कि हमें गोटी से माफी मांगनी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हम सबको मार डालेगा, इस गांव को शमशान बना देगा। गांधीनगर में जिस व्यक्ति को पुलिस ने रेप केस में अरेस्ट किया था, घोटी उर्फ कोटेश्वर राव की इस केस में बेल मंजूर की जाती है। ऐ! पता करो बस्ती वाले सब किधर हैं? एक भी आदमी नहीं बचना चाहिए। घोटी, बस्ती तुम्हारे कदमों में है, देख लो। क्या बात है रे, इस बस्ती के सारे लोग तो मेरे पांव छूते आए हैं और तू हथियार लेकर आई है।
तूने नपुंसक बना दो इसे। आगे से कुछ भी करने लायक नहीं बचेगा। तेरी तो लोगों की इज्जत टूटी है तूने। प्रत्यक्षदर्शी गवाह के अनुसार मरने वाले वाघमारे उर्फ गोटी उम्र 44 साल और मुन्ना उम्र 48 साल निवास स्थान गांधीनगर बस्ती के ही है। आज की तारीख लिखो 20 अगस्त 2001 सोमवार सुबह 10 बजे। मरने वाले ये दोनों एक केस के सिलसिले में कोर्ट में हाजिर होने जा रहे थे। कोर्ट में बहुत बुरी तरीके से मारपीट हुई जिसमें इन दोनों को बहुत बुरी तरह चोट लगी और ये दोनों मारे गए। ऐसा लिखो। सर मुझे तो लगता है कि बस्ती की औरतों ने ही मिलकर मर्डर किया है। मैं जो कह रहा हूँ सिर्फ वो लिखो। उसे मारना गुनाह हो सकता है लेकिन पाप नहीं हो सकता। जुर्म सहना भी अपने आप में एक पाप है। क्या हुआ सुजाता, कहाँ गई थी तुम? गांव गई थी, पुराने कुछ इश्यूज से उन्हें खत्म कर